हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रिमिनल लॉ में कुछ लीगल प्रिंसिपल और उसके फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग लीगल प्रिंसिपल और फैक्ट के बेसिस पे रखते हैं। हमारा लीगल प्रिंसिपल कह रहा है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसर्टेनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or what he is doing is wrong or contrary to law. कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा जो किसी व्यक्ति के द्वारा अनसर्टेनेस ऑफ माइंड की स्थिति में किया गया हो। ये हमारा प्रिंसिपल कह रहा है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग क्रिमिनल लॉ में कुछ लीगल फैक्चुअल सिचुएशन को देखेंगे और आप लोग भी इस लीगल फैक्चुअल सिचुएशन को गौर से देखो और कंक्लूजन कमेंट करना, ओके। यहाँ पे हम लोग एक लीगल फैक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं। ए एक पर्सन है, वो अपने सन जो बी है उसको, जिसका एज 3 ईयर ओल्ड है, उसको अच्छे से नहाने के लिए एक दिन अच्छे से नहाने के लिए तालाब के पास ले जाता है। कुएं के पास ले जाता है। ए सोचता है कि उसका चाइल्ड अच्छे से नहाएगा कुएं में, और क्या करता है, अपने चाइल्ड को उस कुएं में फेंक देता और खुद भी कुएं में जा कर के नहाने लगता है, ठीक है। और आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद ए और उसका चाइल्ड कुएं में डूबने लगता है और वो दूसरे को आवाज़ देता है, प्लीज़ हेल्प मी एंड माय चाइल्ड। वहाँ वाले गांव वाले लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो सब उन्हें कुएं के बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। ए जब कुएं से बाहर आता है तो उसका चाइल्ड, ए का जो चाइल्ड था जो 3 ईयर ओल्ड का था, वो उसे मरा हुआ पाता है। गांव वाले पीपल तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ए का जो चाइल्ड है वो ये सारे फैक्चुअल सिचुएशन को बताता है कि ए ऐसे ऐसे कुएं में गया था और वो अपने चाइल्ड को नहा रहा था और उसका चाइल्ड मरा हुआ है। पुलिस वाले आ करके सारे मामले की इंक्वायरी करते हैं और ए को मर्डर के केस में दोषी मानते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको देना है और ये कोर्ट में उसका फैसला सुनाया जाता है जज के द्वारा। फिलहाल आप लोग हमें ये बताइए, जो ये फैक्चुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ए को मर्डर के लिए चार्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ओके। ये आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कोर्ट में जब हियरिंग होता है तो हियरिंग के दौरान ऑर्डर आता है और ऑर्डर जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ये आता है क्रिमिनल लॉ का। कंक्लूजन ये है कि ओनली अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन थ्रू his own child in a will to have good birth. Medical evidence also support his insanity. जो कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये जो पर्सन जो ए था वो अपने चाइल्ड को अच्छे से नहाने के लिए गुड बाथ के चलते उसे वेल में डाल देता है, नहाने के लिए छोड़ देता है, ऐसा मेडिकल एविडेंस भी उसे सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये ए जो है उसे मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल लर्निंग टू सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।